गांधी ने एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा कि मोदी की ताकत उनकी इमेज है और राहुल गांधी ने 4 मई 2019 में एक मैगजीन इंटरव्यू में यह प्रण लिया कि मैं मोदी की इमेज पे प्रहार करता रहूंगा जब तक उस इमेज को छिन्न भिन्न ना कर दूं। गांधी खानदान की नरेंद्र मोदी को यह पहली धमकी नहीं थी। गांधी खानदान ने एड़ी चोटी का जोर आजमा लिया जब वो सत्ता में थे, लेकिन ना जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो कम कर सके, ना जनता का साथ। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लें, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। क्या यह पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है? देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। ये बात और है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के दलित नेता से अपने चप्पल उठाते हुए दिखाई दिए और अब उनका झूठ सर चढ़कर बोल रहा है। पॉलिटिकल साइकोसिस ऑफ राहुल गांधी इज ऑन फुल डिस्प्ले। राहुल गांधी 4 मई 2019 के अपने वक्तव्य पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। संसदीय कार्य पद्धति के चलते जब राहुल गांधी से कहा गया कि आपने जो कटाक्ष किया है उसको साइन करके एक एक पृष्ठ पर ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का।